जैसा मैं इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है, तो मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको अपना आइडिया मोबाइल ऐप, जो माई आइडिया ऐप है, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो भी अकाउंट आपने कॉन्फ़िगर किया जिस जिस मोबाइल नंबर का, उनकी डिटेल दिखाएगा। सबसे पहले ये होम वाले आइकन पे आपको दिखाएगा, फिर आप स्क्रॉल करेंगे, शॉप पे क्लिक करेंगे, तो इतनी तरह की शॉपिंग फैसिलिटी देता है, अकाउंट में इतने तरह के देता है, और आइडिया ने इतने तरह के ऐप अभी तक लॉन्च किए हैं। तो आइए हम होम पे आते हैं। उसके बाद हम मैंने दूसरा नंबर का बिल पेमेंट करना है, तो मैंने दूसरा नंबर सेलेक्ट कर लिया है। इसमें मुझे 184.57 का पेमेंट करना है, स्टैंडिंग इतना है, तो मैं पे पे क्लिक करूँगा। पे पे क्लिक करते ही नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जाएगा। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके पास ऑप्शन होगा, या तो आप आइडिया मनी से पेमेंट कर सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो मैंने नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। नेट बैंकिंग में इतने तरह के ऑप्शन हैं, आप कार्ड वॉलेट से, कैश कार्ड से, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। कार्ड वॉलेट में इतने तरह के ऑप्शन हैं, कैश कार्ड में इतने तरह के ऑप्शन हैं, तो चलिए मैं क्रेडिट कार्ड से पे करता हूँ। क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालनी है, जिसमें आपका 16 नंबर्स का जो आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर होगा, उसका एक्सपायरी मंथ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप एक एक्सपायरी ईयर सेलेक्ट करेंगे, और जो सीवीसी नंबर, जो क्रेडिट कार्ड के पीछे 3 डिजिट का जो नंबर होता है, उसको यहाँ पे टाइप करेंगे। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको पेमेंट पे पे नाउ पे क्लिक करना है। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। कार्ड होल्डर का नाम, जो क्रेडिट कार्ड पे जो आपका नाम है, वो भी आपको डालना है। तो यहाँ पे मेरा नाम विद्याशंकर पांडे या मनु पांडे, जो भी आपका नाम है, वो आप नाम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे, पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके चला जाएगा। एक और ऑप्शन आप देता है कि चाहते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल ये आइडिया ऐप में स्टोर हो जाए, ताकि अगली बार आपको दोबारा टाइप नहीं करें, तो आप रिमेंबर फॉर क्विक पे में आप क्लिक कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैंने पेमेंट पे क्लिक कर दिया, रिडायरेक्ट हो गया। अब मैं OTP जनरेट कर दिया, मैंने OTP रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन में डाल दिया, OTP आ गया, OTP मैंने अप्रूव कर दिया। OTP अप्रूव करते ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया है। प्रोसेसिंग प्लीज़ वेट। अब ध्यान रखना है कि आपको अपना मोबाइल रिफ्रेश नहीं करना है या बैक नहीं करना है। तो ये स्टेटस आ गया, ग्रीन में आ गया, मतलब स्माइल के आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया। मैंने इस मोबाइल नंबर का जितना मेरा बिल आया था, मैंने पेमेंट कर दिया है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। आपको फिर किसी सर्विस सेंटर या किसी आइडिया स्टोर पे या किसी दूसरे पेमेंट रिसीव सेंटर पे जाके या बैंक में जाके या ATM में जाके आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे आप आइडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। अब हम चेक करेंगे कि जो आइडिया की तरफ से क्या मैसेज आया है। तो आइडिया की तरफ से मैसेज आया है कि योर पेमेंट ऑफ रुपीज़ दितवन रेफरेंस इतना हैज़ बीन प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, मतलब आपने बिल का पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया है। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर कोई सुझाव है तो ज़रूर दें।